दिल से तोड़ा फिर भी यार उसी को करता है ये दिल। माही आना आया मेरा माही आना आया, पूरा लंदन चमकदार। तो फाइनली गाइस मसूरी में पहुंच गए हैं और होटल वगैरह हमने ले लिया हुआ है। अभी जस्ट होटल से निकले हैं बाहर, डिनर वगैरह करते हैं। जब मसूरी से आते हैं ना, मतलब कि रास्ते में जब होटल में जैसे पहुंचे ना, वैसे सो गए हुए थे और जस्ट अभी उठे हम। वैसे अभी हमने स्कूटी भी बाहर लगाई हुई है, माल रोड में अलाउड नहीं था, तो अभी स्कूटी भी लाएंगे अपने होटल के बाहर लगाएंगे फिर। तो यहाँ पे चल रहा है शायद से लाइव सिंगिंग शो। तो फिलहाल तो माल रोड में पहुँच चुके हैं और अभी आपको माल रोड के सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। और इस टाइम पर आप क्राउड चेक करें एक बार माल रोड में, सर सीरियसली रात को ना माल रोड की वाइब ही अलग होती है एकदम। पार्टी दिखाओ पार्टी भाई, पूरा लंदन चमकदार। विमल के बाद इनका सिनेमैटिक तो बनता था। यो विमल पान मसाला। यो मैन मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली को दिल से तोड़ा, फिर भी यार उसी को करता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। रंग वैक पानी दा रंग वैक के अखियां जो अंजोर उड़ते। माही आना आया मेरा माही आना आया, माही आना आया मेरा माही आना आया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन की शुरुआत हो रही है हमारी आज सुबह के 7:30 पे। तो टाइम आ चुका है वापसी अपनी अपनी स्कूटियों को ऋषिकेश लगाने का। तो अभी निकल चुके हैं हम और शायद आज शाम को हम जम्मू के लिए भी निकल जाएं, देहरादून हरिद्वार दिल्ली। सो हम सीधे देहरादून होते निकलेंगे अब नीचे से। कम से कम भी मुझे ना 7-8 किलोमीटर हो गए और अभी तक स्कूटी न्यूट्रल में ही जा रही है। सो अभी जाके ना मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की है और अभी हम पहुंचने वाले हैं देहरादून में। कम से कम भी मैंने 15 किलोमीटर ना बिना मतलब कि ऑफ करके चलाई स्कूटी और इतना पेट्रोल बचा होगा ना हमारा। देहरादून 7 किलोमीटर, हरिद्वार 57 किलोमीटर, मसूरी वापस 24 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं। तो पीछे वालों का वेट करते हैं, जैसे वो आते हैं तो फिर निकलते हैं आगे को। सो आ चुके हैं पीछे वाले भी। न्यूट्रल 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 निभाना, खींचो बड़ा हो गया न्यूट्रल। अभी यहाँ से भी देहरादून 7 किलोमीटर है और जैसे जैसे नीचे उतरे ना वैसे वैसे गर्मी फिर से शुरू हो चुकी है। ऊपर इतनी ठंड थी ना और नीचे आके ऐसा धूप पड़ रही है ना गंदी वाली, बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब चारों तरफ ग्रीनरी आ गई है और इतना प्यारा रोड लग रहा है ना ये वाला UA 07, ये सबसे पुराना वाला नंबर है उत्तराखंड का। अभी जो UK चल रहा है ना, ये UA वाला सबसे पुराना नंबर। भाई हम पहुँचने वाले हैं अपने बाबू भैया के शहर देहरादून में। UK 07 राइडर।
राइडर। तो यहाँ से हमको लेना है सीधा, यहाँ से हमको सीधे चले जाना है। सो गाइस हम पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, आगे वाले हमें लेके जा रहे हैं कहीं, गूगल मैप के सहारे कह रहे हैं कि एक दो जगह है यहाँ घूमने के लिए देहरादून में, तो देखते हैं अभी कहाँ लेके जाते हैं। बाकी ये जो क्लॉक दिखाई दे रही है ना, ये बड़ी अच्छी लग रही है। सो भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, पूरी खाने का मन हो रहा है पूरी। सो भैया खाना वगैरह तो हमने खा लिया है, बाकी इस अंकल से हमने चने भटूरे खाए हैं 40 रुपये की एक प्लेट। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग हुई थी ना, अभी मैं उस लोकेशन पे जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने गेट पे ही मना कर दिया था कि कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो आप शूट वगैरह नहीं कर सकते। तो मैं फिर भी चोरी चोरी थोड़ा सा ना कैमरा निकाल के शूट कर लूँगा। तो भाई इस जगह पे ना शूटिंग हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और यहाँ पे ही वो कार वगैरह घुमाई थी पूरी। यहाँ पर ही वो वरुण की कार घुमाई थी पूरी पूरी, यही लोकेशन है वो। तो ये कॉलेज है वो, यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग हुई हुई है पूरी पूरी, मूवी यहाँ पे बनी हुई है, ये कॉलेज है वो। सो भाई अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और अभी लगाएंगे सीधे हम ऋषिकेश जाके ब्रेक, और टिकट हमारी आज कंफर्म ही नहीं हुई, अभी शायद कल निकलेंगे हम घर के लिए जम्मू के लिए, आज का स्टे फिर से ऋषिकेश ही करना पड़ेगा। सो आ चुका है एक टोल प्लाजा, वैसे स्कूटियों के लिए तो कोई टोल नहीं होता, हम तो निकल जाएंगे साइड से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से ऋषिकेश रह गया है 33 किलोमीटर, और इन भाई साहब का लगा हुआ है स्टैंड। भाई स्टैंड करो स्टैंड। सो ये ट्रैफिक देख के पता लग ही गया होगा कि हम ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं, ऋषिकेश के रास्ते में हैं। बस अभी हम सीधे ऋषिकेश में तो एंटर कर चुके हैं, बस अभी हमें सीधे जाना है लक्ष्मण झूला के पास, यहाँ पे हमारा होटल है। सो यहाँ से हमको अंदर को टर्न करना है, सीधे हम पहुँच जाएंगे अपने होटल के पास। आज तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही है यार ऋषिकेश में ना, इतनी तेज धूप निकली हुई है ना, पूरा पसीने से भीग चुके हैं इस टाइम पे। 2 hours later तो अभी जा रहे हैं हम राम झूले में पहुँच चुके हैं स्कूटी लेके। वही रास्ता है अंदर अंदर, बैलू पहली बार लेके जा रहे हैं स्कूटी राम झूले पे, क्या बात है, बहुत अच्छा यार बहुत अच्छा। नीचे गंगा मैया राम झूला लक्ष्मण झूला। आ चुका हूँ गंगा के पास, और मैं आपको यहाँ से ना राम झूला का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो राम झूला का व्यू, और मैं यहाँ पे देखो कैसे बैठा हूँ यहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ बैठ के, एकदम अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। जब बाकी सभी देखो लोग कैसे आए हैं यहाँ पे, भी सभी रश पड़ा हुआ है वहाँ पे देखो। The next day. So good morning everyone. फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और आज टाइम आ चुका है ऋषिकेश को बाय बाय बोलने का। सो अभी सामान वगैरह रखते हैं नीचे, और ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। तो ये है इनका ऑफिस, यहाँ पे रखते हैं सामान सारा का सारा। तो यहाँ पे लगा हुआ है भोले बाबा का लंगर, और हमारे ब्रेकफास्ट के पैसे बच गए सुबह सुबह। तो अभी निकल चुके हैं सीधे स्टेशन की तरफ,
ट्रेन हमारी है 4:40 या शायद 5 बजे के बाद की है। अभी सिर्फ एक ही बजा तो अभी हम निकल गए हुए हैं पहले ही, क्योंकि हमने रूम वगैरह छोड़ दिया था अपना और हमारे पास कोई एक्शन नहीं था। तो अभी देखो पैदल पैदल ही निकले हुए हैं स्टेशन के लिए, बाकी वाले हमारे दो बंदे आगे निकल चुके हैं, हम आ रहे हैं पीछे पीछे मजे से। लेकिन क्या गंदी वाली गर्मी बढ़ रही है यहाँ पे। सो लास्ट बार राम झूले को देख लो, वो सामने राम झूला, फिर लास्ट टाइम देख लो, फिर उसके बाद अगले साल ही देखा जाएगा ऋषिकेश का ट्रिप, वो देखो सामने। तो ऋषिकेश स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, अभी चलते हैं अंदर। Two hours later. अभी जा रहे हैं ट्रेन में अपना सामान रखने, वो सामने ट्रेन लगी है हमारी वाली जो सीधे जाएगी कटरा जम्मू। तो पूरे 5:20 पे ट्रेन निकल चुकी है ऋषिकेश। तो अभी तो फिलहाल पहुंचे हैं अम्बाला और यहाँ से पीछे से देखो ट्रेन आ रही है, ये देखो। सो फिलहाल GoPro की बैटरी भी सिर्फ 5% ही है। सो सुबह हम पहुंचेंगे 3:30 बजे। सो वीडियो को यार अभी यहाँ पे एंड कर देते हैं। अगर यहाँ तक अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का करूँ। और फिलहाल वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ऐसे मैं फिर नई नई वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं जल्दी फिर से किसी ऐसी एक बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय। और ये ट्रेन जाते हुए कितनी प्यारी लग रही है।